कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के रोड शो पर अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि रामलाल ठाकुर ने अपने रोड शो के दौरान कार के बंद शीशे रखकर लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि लोगों को देखना है कि धूप में तपने वाला सांसद चाहिए या गाड़ी में बंद शीशे कर रोड शो करने वाला सांसद, ये फैसला जनता को करना है। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर ने 40 दिन के कैंपेन में उपलब्धियां तक नहीं बता पाए हैं। बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा पीएम मोदी को फेंकू नंबर वन पीएम कहने पर अनुराग ठाकुर ने सिद्धू को खरी खोटी सुनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब सिद्धू को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और सिद्धू की बातों को लोग बकवास कहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिद्धू को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है और लोग हंसने लगते हैं और हंसकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय का इंतजार करिए और 23 मई को पता चल जाएगा कि कौन टिकता है और कौन चला जाता है। माकपा पॉलिट ब्यूरो सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़ी नेता सुहासिनी अली ने बताया कि फसल बीमा योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना था। हिमाचल में जापान की बीमा कंपनी सरकार का 28 करोड़ लेकर फरार हो गई है। किसान अपने फसल के नुकसान की बीमा राशि लेना चाहे तो मुश्किल हो गया है। सुहासिनी अली ने कहा, हिमाचल में ओले से फसलों का अधिक नुकसान होता है लेकिन इस नुकसान को बीमा के अंदर नहीं लिया गया। सुहासिनी अली ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में बताया, देश में पिछले 5 वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। बैंकों को खोखला कर बड़े कर्जदार विदेश भाग गए हैं। छोटे कर्जदार किसानों पर दबाव बनाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया, पिछले लोकसभा में 8 सांसदों के मुकाबले इस बार माकपा लोकसभा में 2 अंकों में पहुंचेगी। हिमाचल में भी लाल झंडा दूर दर्ज तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही दल प्रत्याशियों का आदान प्रदान करती हैं। एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई। हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भाजपा और कांग्रेस इधर उधर स्थान चयन के नाम पर फुटबॉल का खेल खेल रही है। उन्होंने रामपुर के समीप चाटी नामक स्थान में पार्टी कार्यालय में जहां माकपा मंडी हलके के प्रत्याशी सोए हुए थे पत्थरबाजी करने की घटना को संघ की हरकत बताया है। उन्होंने कहा, हुड़ंग मचाने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, ऐसे नारे कौन लगाता है, जनता जानती है। इस दौरान उनके साथ माकपा के हिमाचल सचिव डॉक्टर ओमकार शायद, रामपुर चुनाव प्रभारी बिहारी सेवगी, बलबीर पराशर, तुलाराम, राजेंद्र दिनेश आदि उपस्थित थे।